अध्याय 7 देख रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे और हमारे देश यानी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय यानी हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में। नेशनल अर्थव्यवस्था मतलब होता है इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी को क्या चलाता है। अर्थव्यवस्था यानी पूंजी, बेसिकली पूंजी, पैसा, जीडीपी वगैरह सब की बात करेंगे। इसको कौन चलाता है, इसकी जीवन रेखाएं क्या है। तो जैसे अगर हम एक इंसान की बात करें, एक आदमी की बात करें, तो उसमें क्या होती है, नर्व्स होती हैं, हमारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जो हमारा रगों में खून जाता है वो आपके धमनियों से जाता है, ऐसी जो नर्व्स हैं वो आपके दिमाग तक जाती हैं ताकि आपको सब चीजें पता चल सके। तो आपकी सारी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है आपकी जीवन रेखाएं क्या है, यानी कि आपके आदान प्रदान कैसे हो रहा है खून का या कहीं ऑक्सीजन का। तो इसी तरीके से जब हम एक देश के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग तरीके का जो परिवहन है, अलग अलग और चीजें इसमें बात करेंगे। जैसे हम जो परिवहन या कहें कि मोड ऑफ फ्रॉम हेयर टू देयर, यहां से वहां जाना, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और चीजों का यहां से वहां जाना और यहां से वहां वापिस आना ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये एफिशिएंट ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। तो इसके लिए कोई भी वस्तु या सेवाएं आपको एक जगह नहीं मिलती है। मान लीजिए आपको अंडे लेने हैं, आप बैठे हैं घर में, आपको अंडे लेने बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी दुकान में जाना पड़ेगा, दूध लेने बाहर जाना पड़ेगा। ये और समझ लीजिए कि मान लीजिए सब्जी है, सब्जी लेने जाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि सब्जी के ठेले वाला आपके घर के सामने आ जाए। तो कोई भी वस्तु या सेवाएं आपको एक जगह नहीं मिलती है, उसके लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा या कोई आपके पास आएगा। तो कोई आएगा या जाएगा उसके लिए आप कितना पैदल चल सकते हैं, एक आदमी 5, 10, 20, 50 किलोमीटर चल सकता है। अगर उसके पास सामान लाद दिया जाए तो कितना चल सकता है। तो जब बहुत ज्यादा सामान हो जाए तब तो चल नहीं सकता, उसको परिवहन चाहिए, यानी कि उसको कोई ना कोई चक्के वाली चीज चाहिए या फिर यहां से वहां जाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए जिसे हम परिवहन कहते हैं। तो यहां से वहां जाने के लिए उसको परिवहन चाहिए, किसी को भी, चाहे सामान हो चाहे आदमी हो। तो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, जो हम प्रोड्यूस करेंगे, जो हम बनाएंगे। मान लीजिए एक लुधियाना की कंपनी है, वो शॉल बना रही है। अब वो शॉल जो है वो देहरादून में बिक रही है, वहां से यहां तक कैसे आएगी, वहां से यहां तक कैसे आएगी। अगर उनको अपना बिजनेस चलाना है, उन्हें पता है कि ठंडे जगह पे शॉल की बिक्री होती है, जम्मू कश्मीर में भेजेंगे वो, हिमाचल में भेजेंगे वो उत्तराखंड में भेजेंगे, तो वहां से यहां तक कैसे आएगी। उसके लिए अपने उत्पाद को परिवहन द्वारा यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, परिवहन बड़ा एक तो एफिशिएंट होना चाहिए, तेज होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। और जो ये काम करते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं, व्यापार, जो ट्रेड करते हैं, एक चीज देते हैं एक चीज लेते हैं, यानी आपको कुछ बेचते हैं पैसा लेते हैं, इसी तरीके से आदान प्रदान जो करते हैं उनको हम व्यापारी कहते हैं। तो एक देश के विकास की गति, कोई भी देश किस तरीके से विकास कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, कितनी चीजें पैदा हो रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, इसके अलावा एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाने के लिए जो जो ये कहें कि मीडियम या मोड अवेलेबल है उसकी सुविधा पे बहुत निर्भर करता है। तो देश की गति यानी कि जो परिवहन है या कहे कि यहां से वहां जाने की जो सुविधा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो वस्तुओं को हम, या देखिए वस्तुएं मतलब सामान होता है, लेकिन इसके अलावा सर्विसेज भी होती है। वस्तुओं और सेवाओं को यहां से वहां ले जाना, जैसे मान लीजिए कि आप के आपका एक ऑपरेशन होना है कहीं, एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई आपके आपको सेवा देने आ रहे हैं, यानी कि अपनी मेडिकल सर्विस देने आ रहे हैं। तो वस्तु और सेवाएं दोनों की हम बात कर रहे हैं, ये तीन क्षेत्रों में किया जाता है या तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पृथ्वी पे किया जाता है। या तो आप जमीन से चल के जाएंगे, जमीन पे चलेगी जो भी परिवहन की गतिविधि है वो जमीन पे होगी, या पानी पे होगी, या हवा में होगी, स्थल, जल, वायु। तो परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। परिवहन यहां से वहां जाना, संचार मतलब यहां से वहां बात करना। मान लीजिए कि आप किसी अपने हॉस्टल में हैं या किसी स्कूल में हैं, वहां से आप अपने घर पे फोन करते हैं, आप अपना हालचाल बताते हैं। इसी तरीके से आपको कोई चीज चाहिए मान लीजिए तो वो आप फोन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो संचार, परिवहन, आना जाना, अपने स्कूल आप गाड़ियों से जाते हैं या स्कूल बस से जाते हैं। और व्यापार, व्यापार का मतलब क्या होता है कि आदान प्रदान, ये सारी चीजें जो है ये आपस में एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, डिपेंडेंट है। तो भारत में 5 प्रकार की परिवहन व्यवस्थाएं हैं, बल्कि भारत क्या किसी भी देश को आप ले लीजिए,
वहां ये अमूमन आपको मिलेंगी। स्थल परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट, ये देखिए गाड़ी रोड पे चलेगी, और ये गाड़ी इसके अलावा और भी चीजें हैं जो रोड पे चलेंगी। रेल परिवहन, रेल जो रेलों पे चलता है, सीधी 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 रेल होती है उन पे चलते हैं ये, और इनका ट्रैक बिल्कुल डिफाइंड होता है, इनके बीच में ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद है जल परिवहन, मैं इस पे आता हूं अभी। जल परिवहन ये चलेगा पानी में, इसे हम, ये सब सरफेस ट्रांसपोर्ट पे आता है, तो ये सरफेस है, पानी का सरफेस, इस पे चलता है ये। इससे आप बहुत सस्ता माध्यम है यहां से वहां चीजों को पहुंचाने का। मर्चेंट नेवी का नाम आपने सुना होगा, लोग यहां से वहां पहुंचते हैं, क्रूजेज है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। और कई ऐसी जगह है जहां, तो जैसे वुलर झील आप देख लें या फिर केरला की कई जगह देख लें, वहां पर तो लोग नाव से ही सारा काम करते हैं, नाव यानी यहीं पर अपना नौका यान करते हैं, नौका चालन करते हैं, उसी से सारा बिजनेस करते हैं। अब आइए आप वायु परिवहन पे। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर ऐसी जगह पे जाना है जहां पर बड़ा मुश्किल है जाना और चीजों को पहुंचाना, तो वहां पर आप हवा के जरिए जाते हैं। सबसे तेज माध्यम है, सबसे महंगा माध्यम भी है। अब आते हैं पाइपलाइन पे। पाइपलाइन का मतलब होता है यहां पर कोई चीज मूव नहीं हो रही, यानी कि यहां पर क्या, एक बस जाएगी आप इसके अंदर बैठे हैं, ट्रेन जाएगी आप यहां पर बैठे हैं, यहां पर आप बैठे हैं, इसके अंदर आप बैठे हैं। लेकिन यहां पर पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन में यू पाइप बनी हुई है, इसके अंदर चीज जा रही, मतलब पाइपलाइन स्थिर है, इसके अंदर गैस या जो भी आप पदार्थ भेजेंगे वो यहां से वहां जा रहा है, ये पाइपलाइन। तो पाइपलाइन ये बहुत बड़ी जीवन रेखा है, तो ये सारी जीवन रेखाएं हैं हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितना इजाफा हुआ है, जितनी बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से व्यापार और परिवहन भी बहुत बड़ा है। आप कुछ समय, कुछ 10 साल पहले अगर आप जाएं, तो मेट्रो केवल कलकत्ता में हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखें तो हर जगह आपको, हर एक जगह, यहां तक लखनऊ में, बेंगलुरु में, जहां आप जाएं वहां पर आपको मेट्रो रेल मिलेगी। मुंबई में हर जगह मेट्रो रेल है, हवाई जहाज अब हर जगह पहुंच चुके हैं। पहले बहुत यहाँ से किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था या बड़े सिटीज में जाना पड़ता था। आप कहीं भी आप चले जाइए, आपको मोस्टली, चाहे आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए, किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, आपको वहां पर एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो रेल, वायु, जल परिवहन, रेल, वायु, जल, ये परिवहन, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, यह सब हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सहायक है। अगर रेडियो पे कृषि के लिए कोई प्रोग्राम आता है तो ये भी हमारे विकास के लिए सहायक है। दूरदर्शन में कोई प्रोग्राम आता है जो किसी, मान लीजिए किसी एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा है, बता रहा है, या जनरल नॉलेज बता रहा है। सिनेमा में आपका इंटरटेनमेंट होता है, कई चीजें सीखते भी हैं आप। इंटरनेट से आप सारी चीजें कर रहे हैं, आजकल बिल भर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। रेल, वायु, जल से आप यहां वहां जाते हैं, परिवहन होता है। समाचार पत्र से आपको क्या हो रहा है खबर, ये पता चलती है। तो ये सारे के सारे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में चले जाएं, इनके विकास के लिए ये बहुत बड़े सहायक हैं सारे। जहां पर अच्छा परिवहन होता है, ज्यादा परिवहन होता है, यानी मैनेज्ड परिवहन होता है, जहां पर अच्छा नेटवर्क हो परिवहन का और संचार अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, जहां पर संचार के साधन अच्छे हो, बातचीत हो सके, वीडियो कॉलिंग हो सके या कम्युनिकेशन हो सके, आप टेक्स्ट भेज सके, आप अपनी डॉक्यूमेंट भेज सके, आज विश्व में, राष्ट्र में या स्थानीय व्यापार के लिए, चाहे आप यहां से अमेरिका फोन कर रहे हैं, अमेरिका चीजें भेज रहे हैं, चाहे आप अपने घर के एक कमरे में हैं, दूसरे कमरे में अपने किसी दोस्त को भेज रहे हैं या परिवार के किसी को भेज रहे हैं, ये सारी ही चीजें बहुत जरूरी हैं। और अब ये पूर्व अपेक्षित है, मतलब अब ये बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। एक जमाने में, जैसे आज से आप 15 साल पहले चले जाइए, तो मोबाइल फोन की बड़ी मतलब बात ही नहीं थी, लेकिन आज जो बच्चा हो है उसको पता है, वो मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, मतलब मोबाइल जब वो पैदा हुआ तो मोबाइल उसके हाथ में था या उसके माँ बाप के हाथ में था। तो ये पूर्व अपेक्षित है, ये सब चीजें पूर्व अपेक्षित है कि अगर विकास चाहिए तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा इसका वर्गीकरण आपको बताऊंगा परिवहन के साधनों का। जैसे स्थल, जमीन, जमीन इस पे सड़क परिवहन है, सड़कों पे जो परिवहन चलता है, और रेल परिवहन है, ये भी ट्रैक्स पे चलता है, जमीन पे चलता है, और पाइपलाइन के अंदर गैस वगैरह हम भेजते हैं। इसी तरीके से जल परिवहन, जो पानी के सरफेस पे चलता है, इसमें आंतरिक जल परिवहन है, समुद्री परिवहन है। आंतरिक जल परिवहन के बारे में बताऊंगा, जो आपके नदियों में चलता है, जो नदियां हैं हमारे पास, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों में जो परिवहन होता है, यहां से वहां जो शिप्स या स्टीमर आते जाते हैं, नाव आती जाती है, उन्हें हम आंतरिक जल परिवहन कहते हैं, जल के अंतर्गत आता है। इस तरीके से समुद्री परिवहन, जब समुद्र, आप सी पे चले जाते हैं,
ओशन में चले जाते हैं, वहां का परिवहन समुद्री परिवहन होता है। जहां हम वायु की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, तो जब हम ऊपर चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, तो एक तो घरेलू विमान सेवा है, यानी कि आप यहां से मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चले गए या दिल्ली से आप चंडीगढ़ चले गए, ये घरेलू विमान सेवा हो। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा मतलब आप दिल्ली से या मुंबई से आप चले गए मान लीजिए फ्रांस चले गए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होगी। लेकिन घरेलू विमान सेवा में कुछ ऐसी विमान सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, जैसे आपका जो एयर इंडिया है और भी है, अलायंस में इनका नाम भी आपके सामने लूंगा, तो एयर इंडिया है। इसी तरीके से निजी विमान सेवा आप देखें तो आपका जेट एयरवेज है और इंडिगो है, बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं इसमें। तो जो गवर्नमेंट द्वारा है उसे हम सार्वजनिक प्राधिकरण कहते हैं, जो प्राइवेट वाले मतलब जिनका कंट्रोल पावर ये कहें या जिनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास है, उसे हम निजी विमान सेवा कहते हैं। परिवहन की बात को हम जरा आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि स्थल परिवहन से शुरुआत करते हैं। स्थल परिवहन में अच्छा कुछ चीजें इसमें है जो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पढ़ना तो ठीक है लेकिन अगर डायग्राम से समझ जाएंगे तो ये दिमाग में बैठ जाती है चीजें। तो स्थल परिवहन भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। हमारा अच्छा खासा रोड नेटवर्क है, लगभग 23 लाख किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि ये अभी चेंज हो चुकी होगी, इसको आपको देखना पड़ेगा गूगल पे कि भाई आज क्या है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से 23 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की जो महत्ता बढ़ रही है उसका कारण क्या है? पहली चीज तो यह है कि रेलवे लाइन अगर आप बिछाएं या उसकी अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत कम आती है। रेल बिछाना थोड़ा महंगा था, सड़क थोड़ा इससे कम मतलब आप कहें सस्ता है। आप ये देखें कि जो रेलवे है वो वही बनाई जा सकती है जहां पर सपाट है भूमि, लेकिन रोड आप कहीं भी बना सकते हैं। अगर आप कश्मीर के इलाके में चले जाएं, लद्दाख के इलाके में चले जाएं, तो वहां उबड़ खाबड़ रोड है, ऐसे विच्छिन्न भूभाग है जो कटे फटे हैं, वहां पर भी सड़क बनाई जा सकती है। जहां पर बहुत ज्यादा ढाल हो, जहां पर बहुत ज्यादा एंगल हो, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर आप बात करें जैसे मैंने जो पहले बात की उबड़ खाबड़ इस तरीके से हो, तो आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं। और अगर इस तरीके से ढाल हो यहां पर भी रोड आ सकती है, इस जगह पे भी बन सकती है। विच्छिन्न भूभागों और ढाल प्रवणता बहुत ज्यादा जहां पर स्लोप है या पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी आप बना सकते हैं ये रोड। और जो कम ये कहें कि कम लोगों को ले जाती है, देखिएगा कि अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, सबसे सस्ती और बहुत हेल्पफुल है कि जहां पर कम दूरी चलनी हो आपको, मान लीजिए आपको आपके घर से आपके शहर के बीच में जाना हो और व्यक्ति कम व्यक्ति जैसे 4 लोगों को जाना हो, कम दूरी तय करनी हो, वस्तुएं कम ले जानी हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा सबसे अच्छी चीज सड़क ही है, आपकी हेल्पफुल है ये। घर घर पे जाना हो, अब देखिए रेल तो स्टेशन से स्टेशन पहुंचाएगी आपको, लेकिन जो घर है वो आपके हाईवेज भी हैं, उसके अंदर आइए आप तो शहर में भी हैं, और फिर शहर के अंदर गलियों में आए तो आपके घर तक भी है। तो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सामान को चढ़ाने उतारने के लिए ये लागत कम लेती है सड़क। तो सड़क परिवहन, हम सड़क परिवहन स्थल परिवहन की बात कर रहे हैं, बाकी जो परिवहन साधन है उसके उपयोग में एक बहुत बड़ी भूमिका, एक कड़ी के रूप में काम करती है, एक चेन के रूप में काम करती है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु समुद्री पतनों को जोड़ती हैं। क्योंकि अगर आप देखें एक पानी का जहाज है वो तो यहाँ हार्बर पे आके रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ से कैसे चीजें जाएगी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, वो रोडों से होगी, या तो रेल से होगी या रोड से होगी। मान लीजिए रेल से हुई, अब ये स्टेशन पे आके रुक जाएगी, फिर यहां से वो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगी, रोड से पहुंचेगी। ये जरूरी है समझना कि सड़क जो है वो बहुत ही कम लागत में बनती है, कहीं भी बनाई जा सकती है, साथ में ये आपको आपके डेस्टिनेशन बिल्कुल आपके घर के दरवाजे तक पहुंचा देती है। तो मैं आपको इसमें कुछ वर्गीकरण बताता हूं। भारत में सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें है पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन, मतलब इन रोडों पे 6 लेन्स होंगी, 6 गाड़ियां एक साथ चल सकती है, ऐसे महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। और ये जो महाराजमार्ग का जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ये है जो मेगा सिटीज है हमारे यहाँ दिल्ली कलकत्ता मुंबई
मुंबई चेन्नई, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए, ताकि क्योंकि यहां पर मैक्सिमम ये कहें व्यापार होता है या फिर ट्रेड होता है या ये बड़े बड़े शहर है, तो यहां पर परिवहन हो, साथ में दूरी कम लगे और समय कम लगे। तो ये जो राजमार्ग परियोजना है, या आप ये समझिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ये जो योजना है इसके दो गलियारे हैं। पहला, मैं अभी इसको आपको बताऊंगा, ये जो राजमार्ग परियोजना है, पहले हम बात करते हैं आपके इस गोल्डन क्वाड्रेंट की। देखिएगा, ये स्वर्ण चतुर्भुज जो मैं बता रहा हूं, इसमें स्वर्ण चतुर्भुज में ये पीली लाइन, इसको देखिएगा, ये आपका, ये है मुंबई, ये है दिल्ली, ये है कलकत्ता और ये है चेन्नई। तो यहां से 1 2 3 4, ये जो लाइन बन रही है, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर बन रहा है, चार भुजाएं हैं इसकी। तो ये तो हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये एक, ये जो रोड दिख रही है आपको यहां से यहां तक, और एक ये जो रेड रोड दिख रही है यहां से यहां तक। देखिए, बिल्कुल हमारे देश के टॉप से लेकर डाउन तक, इसको हम कहते हैं, ये यहां से यहां तक आपका एक गलियारा है, इसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। और यहां से यहां तक यानी कि ये पोरबंदर से लेकर कहां तक जा रहा है, इस जगह तक, सिलचर तक जा रहा है, इसको हम कहते हैं पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा। और बाकी जो रोड्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे कहते हैं इसको। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें दो गलियारे हमारे पास हैं, ये जो ये वाले गलियारे हैं जिसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग या ये कहें राजमार्ग परियोजना है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अंडर में आती है। इस योजना में दो दो गलियारे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक पहला उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, ये श्रीनगर है, यहां से कन्याकुमारी तक आ रहा है, कन्याकुमारी एकदम एकदम नीचे लास्ट पॉइंट है हमारा, मतलब यहाँ लैंड का, वैसे तो लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा है वो पूरब से पश्चिम गलियारा कहलाता है, जो सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, गुजरात से लेकर यहाँ पर पोरबंदर तक, मतलब एक ये कहें कि ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इस तरीके से इसको जोड़ा गया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है ये, क्योंकि जब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, तो ये पहला या प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD करता है, इसके अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली और अमृतसर के बीच एक ऐतिहासिक या कहें हिस्टोरिक शेरशाह सूरी मार्ग, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ये संख्या एक कहलाता है। दिल्ली से लेकर कहां तक की बात कर रहा हूं, दिल्ली से लेकर ये अमृतसर तक, तो अमृतसर यहां हुआ और दिल्ली यहां हुआ, तो ये NH1 है यहां से यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग, ये तो नेशनल हो गया, राज्य राजमार्ग। अब राज्यों के बीच में भी आप राज्यों में भी देख लीजिए, तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का निर्माण किसके पास है, PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिवीजन। तो राज्य राजमार्ग का मतलब ये होता है कि अब देखिए, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यहां पर राजधानी है इस राज्य राज्य की, ये एक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, या कहें मुख्यालय है, तो यहां से यहां तक जोड़ना, सबको किससे जोड़ना, आपकी राजधानी से, कैपिटल, इसी को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। यहां पर आप अहमदा वडोदरा का जो द्रुत मार्ग है वो देख पा रहे हैं। इसमें एक चीज बतानी जरूरी है कि जो NH44 है, ये NH44, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी किताब में जो बताया गया है उसके हिसाब से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो, थोड़ा समझिएगा, इसमें किताब में है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ये सर्वाधिक लंबा है, जो 2369 इतना लंबा है। ये वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन इसमें एक समझने की बात है कि ये जो राजमार्ग 7 है ये अब नहीं रहा, मतलब अब ये 9H44 नाम हो गया इसका। तो इसको समझिएगा, यहां पर NH44 हो गया, जो NH4 जो है 44, अब ये जो NH7 देखा, NH7 देखा, ये इसके साथ अब जुड़ गया, मतलब ये इसके, मतलब 6 ऐसे राजमार्ग थे, 6 से 8, उनको मिला के NH44 कहा गया है। अब ये सबसे लंबा है,
हमने देखा था अभी 2369 किलोमीटर, लेकिन अब जो सबसे लंबा राज कहे नेशनल हाईवे है वो नॉर्थ साउथ साउथ कॉरिडोर। इसके अलावा ये 3745 यहां से यहां तक, श्रीनगर से लेकर यहां तक, क्योंकि इसने बहुत सारे जो राजमार्ग हैं उनको जोड़ लिया आपस में, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यही सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अब आते हैं थोड़ा हम जिला पे, हमने एक एक लेवल पे ले लिया, अब जिला मार्ग पे आते हैं। तो ये सड़कें, ये जो सड़क है ये जोड़ती हैं विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला के मुख्यालय से जोड़ती है। जैसे अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि जो जो स्टेट के हाईवेज होते हैं उस वो सारे स्टेट के कैपिटल को जोड़ते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय से, लेकिन जो जिला मार्ग होते हैं वो एक, यहां पर एक स्टेट हो गया, यहाँ कैपिटल हो गया, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहां से यहां तक जो जोड़ रहा है वो अभी हमने देखा। लेकिन इस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट में जो इस डिस्ट्रिक्ट कहे या फिर एक क्षेत्र कहे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट नहीं कहूंगा मैं इसको, बड़ा बड़ा क्षेत्र हो गया ये, तो यहां पर जितने भी रोड होंगे जो यहां इसको मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग प्रशासनिक केंद्रों को जिला के मुख्यालय। अब एक जिले में बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, वो सारे क्षेत्रों से, उस सारे क्षेत्रों से यहां जिला मुख्यालय तक पहुंचने वाली जो रोड है उसको हम कहते हैं जिला मार्ग। इसको कौन करता है? जिला परिषद इसका ध्यान ध्यान रखती है, इसका रखरखाव करती है। इसके अलावा और भी सड़कें हैं जो जिसका हम कैटेगराइजेशन इस तरीके से करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती है, क्योंकि अब गांव तक भी जाना है, क्योंकि हमारा देश तो गांवों का देश है, तो सड़क राज्य तक आ रही, पहले हम स्टेट, पहले हमने सेंट्रल देखा, फिर स्टेट आए, फिर हम आए शहर, अब शहर से गांव, तो ये अन्य सड़कें जो हैं वो इनको जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, इसके तहत हर गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना ये प्रस्तावित है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ये कहती है। इसके बाद अगर हम बॉर्डर पे जाएं, अब हम मान लीजिए हमारा ये बॉर्डर है, यानी मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, इंडिया है यहाँ पर, तो ये बॉर्डर, इस यहाँ पर जो रोड बनेगी ना ऐसे, उन्हें हम कहते हैं सीमांत सड़कें। तो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO कहते हैं। अगर आप कभी इस जगह पर गए हो, खासतौर पर कश्मीर वगैरह पर गए हो, तो आपको BRO दिखता है वहां पर, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। ध्यान रखिएगा, जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर दूसरे देश से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, वहां पर रोड बनाने का काम, वहां पर रोड बनाने का काम BRO करती है, सीमा सड़क संगठन करती है, और उनका देखरेख भी यही करती है। ये जो संगठन है आपका BRO, ये बनाया गया था 1960 में, और इसका काम क्या है, हमारे जो स्टेट्स हैं दूसरों से जो जुड़े हुए हैं उसका महत्व क्या है। यहां पर जो रोड बनेंगे इस जगह पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो यहां जो रोड बनेंगे वो किनके हाथ में होंगे? BRO के लिए। 1960 में बना था, इनका काम यह है। उत्तर आपने देख लिया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख लिया, वहां पर जो सामरिक महत्व है, सामरिक मतलब महत्व होता है जिसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वहां पर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों आती है, उस जगह पे सड़क बनाना और सही तरीके से बनाना, इसका विकास करना किनके पास है? सीमांत सड़कें BRO के पास है। अब आप कह रहे हैं इतनी बार हमने सड़कों का नाम ले लिया, लेकिन ये सड़क होती कैसी है? इन सड़कों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इन सड़कों को इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये सड़कें बनी किस चीज से है। ये कच्ची सड़कें हो सकती हैं या पक्की सड़कें हो सकती हैं। तो जो मिट्टी और कंकड़ इन सब से बनती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन पाई जाती है, उनको हम कहते हैं कच्ची सड़क। जैसी बरसात होगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनमें, क्योंकि बरसात के पानी से यहाँ आना जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पक्की सड़कें जो होती हैं वो सीमेंट, कॉन्क्रीट और तारकोल से बनती हैं, तो बरसात के समय थोड़ा सा दिक्कत यहाँ कम होती है, क्योंकि बरसात में भी अच्छी ठीक चलती है और ये हार्ड होती है, बहुत तेज इसमें ट्रैफिक अच्छे से चल सकता है। सीमेंट, कॉन्क्रीट और तारकोल से ये बनी होती है जो पक्की सड़कें हैं। अगर हम हिंदुस्तान के सड़क के घनत्व को लें, सड़क के घनत्व यानी कि रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी क्या होता है? अब आप देखें, मान लीजिए कोई एक एरिया है, ये एक एरिया है आपका 100 वर्ग किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर है, उसमें ये रोड है, 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 जितनी भी रोड है यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए एक्स रोड है, डिवाइडेड बाय आप पति 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर मतलब 100
किलोमीटर स्क्वायर, ये 100 किलोमीटर हो गया, ये 100 किलोमीटर हो गया, तो 100 बाय 100 किलोमीटर के अंतर्गत जितनी सड़कें हैं, एक्स लिख दीजिए, इसका जो डिवीजन है उसी को हम कहेंगे सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी। तो हमारे देश में सड़कें कहीं ठीक हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएँ तो 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का दायरा देखें तो आपको 12.14 किलोमीटर प्रति, ये इसकी डेंसिटी है। लेकिन वही कि आप केरल में चले जाएं तो 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर में, क्योंकि केरल में घनत्व तो डेंसिटी का, पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा है, लोग भी अच्छे खासे लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो अगर आप देखिए 12.14 कहाँ जम्मू कश्मीर में, और यहीं पे एक नंबर देखिए, वॉपिंग नंबर है, बड़ा नंबर है, 517.77 किलोमीटर, ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है कहाँ, केरला में। अच्छा, ये 2011 का आंकड़ा है, आपको ये नया आंकड़ा देखना पड़ेगा। अगर पूरे देश के बारे में बात करें तो देश का जो आंकड़ा है सड़क घनत्व का, वो है 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 142.68। अब सड़क परिवहन की कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या हैं? वो समस्याएं ये हैं कि सड़कें कच्ची हैं और जब जैसी बरसात आती है उस समय दिक्कत होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अभी अपर्याप्त है, हमें और नेशनल हाईवे चाहिए, अभी बन रहे हैं, हमारा डेवलपिंग देश है, आप कहीं भी जाएंगे आपको रोडें बनती हुई दिख जाएंगी। शहरों में सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भारी, भारी भीड़ है, क्योंकि जब लोग कम थे तो वो रोड बनाई गई थी, आगे को शायद देख के ना बनाई गई हो, लेकिन अब ये रोड ज़्यादा हो गए, मतलब लोग ज़्यादा हो गए तो रोड उनके हिसाब से कम हो गए, लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई, सबके पास कार और बाइक्स है, तो ये अत्यंत तंग और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। जितने भी आप पुल और पुलिया की बात करें, वो भी पहले बनाए गए थे, आज नए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं पुल और पुलिया, पुलिया क्या होता है, जैसे अगर दो बैंक से ये नदी बह रही है तो उसके ऊपर जो बनाया जाता है उसे पुलिया कहते हैं, छोटी पुलिया, वैसे तो हम उसको बड़ा पुल कह सकते हैं लेकिन पुलिया मतलब छोटी, ये भी बहुत पुराने हैं, बहुत तंग है, ये थोड़ी सी समस्याएं हैं इसमें। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये पहाड़ी रास्ते, देखिए किस तरीके से ये पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया गया है। तो ये ऐसे क्षेत्रों में आप क्या बना सकते हैं, सड़क ही बनाए साथ बना सकते हैं, रेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखिए उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात किस तरीके से जा रहा है, कितनी हॉस्टाइल कंडीशन है, बर्फ गिरी हुई है और यहाँ पर यातायात चल रहा है। तो इसका जो संरक्षण करते हैं, मैंने आपको बता दिया सबके नाम। रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रेल के बारे में जानेंगे इन्फॉर्मेशन। भारतीय रेल, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत चलाई जाती है, यानी रेलवे मंत्रालय, और ये चौथा पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आती है अगर हमारे नेटवर्क या फिर रेलवे का जाल देखा जाए तो। इसका जो रूट लेंथ है वो है 67,368 किलोमीटर। इतना लंबा आपको जो रेलवे के ट्रैक्स हैं या फिर रेलवे लाइन है वो आपको मिलेंगी, जिसमें टोटल ट्रैक लेंथ आपका, क्योंकि कई ऐसी जगह ऐसी होती है जहां पर हम ट्रैक लेंथ अगर गिने तो 121,407 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की लेंथ है। इसके अलावा जो रूट लेंथ है, यानी कि अगर दूरी तय कितनी तय करती है, तो 67,368। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा पैसेंजर्स डेली, 20,000 से ज्यादा पैसेंजर्स डेली, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, और 7,349 इतने स्टेशन हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप की ट्रेन हैं, मेल है, एक्सप्रेस ट्रेन है, इनकी एवरेज स्पीड करीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अच्छी ट्रेनें हैं जिसको जो फास्ट ट्रेनें कहलाती हैं, यानी कि जो प्रीमियम ट्रेन हैं राजधानी शताब्दी, ये 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं। गतिमान एक्सप्रेस 160 तक चली गई है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ट्रेन 18, जो अभी शुरू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट है, और ये दिल्ली वाराणसी और लखनऊ दिल्ली, इसने स्पीड ली है 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो ये रेलवे मंत्रालय का अगर आज की बात करें तो पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, और पैसेंजर रेलवे जिसमें हम लोग जाते हैं, साथ में सामान जाता है, जैसे मालगाड़ी हम कहते हैं ना, फ्राइट कहते हैं इसको या फ्रेट कहते हैं, जहां सामान जाता है। रेवेन्यू ये है आपका ट्रिलियन में है, ट्रिलियन होता है 10^12, तो 1.97214 ट्रिलियन इतना रुपया है, इसको आप 10^10 से मल्टीप्लाई करिए। नेट इनकम है 60.14 बिलियन। एम्प्लॉई है जो काम करते हैं इसमें 1.308 मिलियन, मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। 18 जोन्स है पूरे जो
हमारे मानचित्र को रेलवे में के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है, तो वो जोन्स होते हैं और उसका एक हेडक्वार्टर होता है। तो रेलवे की जो ज्यादा चीजें हैं वो अगर हम पैसेंजर के तौर पे देखें तो नहीं, जो फ्राइट इसमें जो सामान जाता है, क्योंकि हम बात ही इसी चीज की कर रहे हैं कि ये हमारी जीवन रेखा है, तो फ्राइट यानी जो सामान जाता है उस वो मालगाड़ियां 9,200 ट्रेन है डेली और 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अमूमन स्पीड होती है मालगाड़ियों की, और ये चेंज होती है कि किस रूट पे जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो 277987 इतने वेगन्स हैं, इतने ये कहें कि मालगाड़ी के डब्बे हैं जो ये ले जाते हैं। इसके अलावा 70937 ये पैसेंजर के कोच हैं जिसमें लोग जाते हैं, और लोकोमोटिव जैसे जो ट्रेन के आगे लगता है इंजन और पीछे जो लगता है वो 11442 इतने लोकोमोटिव्स हैं। हम पूरे विश्व में एट्थ मतलब इंडियन रेलवे पूरे विश्व में एट्थ सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, यानी सबसे ज्यादा लोग आठवें नंबर पे 1.308 मिलियन मतलब 1.308 इनको 10 की घात आप ये 1 मिलियन होता है 1,10,00,000 तो इतना हो जाएगा, इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम फ्राइट देखते हैं काफी, 1.16 बिलियन टन, एक टन होता है 100 केजी, इतना भार यहां से वहां गया है। और जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि 1.874 इतना ट्रिलियन, 10 की घात 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रुपए इसका रेवेन्यू है, और जिसमें जो मैक्सिमम रेवेन्यू है देखिए 1.175 जो इसमें से आता है वो मालगाड़ी से आता है, भाड़े से आता है, सामान के आने जाने से आता है, बाकी जो है वो पैसेंजर रेवेन्यू है जो हम लोग आते जाते हैं उससे है। तो रेल परिवहन, ये भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों मेन, इसमें देखिए पहले वस्तुओं दिया गया है क्योंकि फ्राइट जो सामान जाता है ना रेल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो रेल परिवहन बहुत सारे कार्यों में हमें सहायता करता है, चाहे हमें व्यापार करना हो, ट्रेड करना हो, चाहे हमें भ्रमण करना हो, टूरिज्म करना हो, घूमना हो यहाँ वहाँ, या अपने नाते रिश्तेदारों की शादियों ब्याहों में किसी दुख के समय जाना हो। इसके अलावा तीर्थ यात्राएं, अगर आपको किसी भी जगह चाहे बालाजी टेम्पल जाना हो, चाहे कटरा जाना हो वैष्णो देवी के लिए, लंबी दूरी का सामान, यानी अगर आप किसी मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से सामान आ रहा है आपको वो गुजरात के बंदरगाह पहुंचाना है तो पहले वो ट्रेन से आएगा उसके बाद वो आगे जाएगा, इस तरीके से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है अवेलेबल। और क्यों इस ये अर्थव्यवस्था के तहत जहां तक हम इकोनॉमी की बात करते हैं रेल परिवहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ परेशानियां कम है, रेल के सीधे ट्रैक होते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, समय पर पहुंच जाती है ऑलमोस्ट ट्रेनें, और सामान जो है वो यहां से वहां बहुत भारी ले जा सकती है ये। इसके साथ थोड़ी समस्याएं भी हैं, रेल परिवहन की समस्याएं खासतौर पर जो यात्री गाड़ी है उसमें है। बहुत से यात्री बगैर टिकट के यात्रा करते हैं, रेल की जो संपत्ति है जो हमारी ही संपत्ति है, आपकी मेरी संपत्ति है, उसमें चोरी होती है, उसका उसको लोग नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं भी जंजीर खींच देते हैं जो ट्रेन रोकने के लिए होती है, जिससे लोगों का समय वेस्ट होता है और रेलवे की हानि भी होती है। तो हमारी अलग अलग तरीके की लाइन है, यानी कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से तय होती है। तो छोटी ट्रेन अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ तो जैसे दार्जिलिंग वगैरह में छोटी ट्रेन मिलेंगी आपको, और अगर आप कोंकण में जाएँ तो आपको दूसरी टाइप की ट्रेन मिलेगी, कोंकण रेलवे अलग ट्रेन चलाती है, और बाकी अगर आप दिल्ली मुंबई वाली ट्रेन देखेंगे तो अलग ट्रेन आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे पाइपलाइन की। पाइपलाइन अब ये भी एक परिवहन का बहुत मुख्य साधन है। मैं सबसे पहले आपको ये 3 पाइपलाइन दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। एक पाइपलाइन यहां देखिए, इसको देखिएगा यहां से यहां तक, एक पाइपलाइन आपकी ये है, एक पाइपलाइन ये हजीरा से चल रही है यानी कि सलाया से चल रही है विक्रम ग्राम, और ये कहां तक पहुंच रही है इस जगह तक, और जलंधर तक पहुंच रही है। यहां पर आपके मुंबई हाई से ये हजीरा से होते हुए यहां तक पहुंच रही है, मथुरा तक जा रही है क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी है। यहां पर डिगबोई से जो चीज निकल रही है या फिर आसाम से जो चीज निकल रही है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से निकल रही है वो आपके बरौनी से होते हुए इलाहाबाद कानपुर तक पहुंच रही है। ये अलग अलग लाइनें हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो डार्क है ये एग्जिस्टिंग अभी हमारे पास है, जो डॉट डॉट है वो आपको ये वाली प्रपोज है, ये अभी बन रही है, बनने के उस पर है, प्रोसेस में है, और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें गोले बने हुए हैं और ये बीच में डार्क लाइन नहीं है, ये गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। तो इससे जाता क्या है, इससे ये होता है कि आपकी एक पाइपलाइन बनी, इसके अंदर आप क्या क्या भेज सकते हैं,
भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन है, क्योंकि पाइपलाइन कहीं मूव नहीं करती है लेकिन इसके अंदर सामान जरूर मूव करता है। जैसे अगर आप कच्चे तेल की बात करें, पेट्रोल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस, ये कहाँ कहाँ जानी होती है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे, मुंबई हाई से या असम से निकालेंगे या फिर नॉर्दर्न स्टेट से निकालेंगे, तो मथुरा रिफाइनरी तो यहाँ है, या फिर इसका काम तो यहाँ होता है, या इंडस्ट्रीज तो यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा ना आपको। अब पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, या तो छोटे 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 ट्रकों में भर भर के भेजा जाए, बहुत ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा वो लॉन्ग रन में। लेकिन एक बार आपने पाइप बिछा दिया और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारा भंडार है, निकलना ही निकलना है, तो एक बार पाइप बिछा दीजिए, चीज़ें चलती रहेगी जाती रहेगी। तो देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल है। अब जो मैंने बताया उसको दोबारा बता रहे। सबसे पहले देखिए, ये असम है, यहाँ से असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, यहाँ से आप गए, यहाँ से आप गए बरौनी, ये बरौनी और इलाहाबाद, यहाँ इलाहाबाद से होते हुए या कानपुर तक जा रही है उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा यहाँ भी देखिए, बरौनी से, बरौनी से निकल रही है, राजबंध होके ये हल्दिया जा रही है, राजबंध होके ये हल्दिया जा रही है, और दूसरी राजबंध से यहाँ से इधर, यहाँ पर इस तरफ चली, तो दूसरी जो है वो राजबंध से मौरी ग्राम, ये मौरी ग्राम आप देख रहे हैं यहां तक जा रही, और गुवाहाटी के सिलीगुड़ी तक जा रही। इसके अलावा जो गुजरात, यहां पर आइए, ये गुजरात में सलाया से, ये सलाया और यहां पे, यहां पर आ रहा है विरमगाम, फिर यहां से जाता है, ये जाती है ये मथुरा, मथुरा फिर दिल्ली, दिल्ली फिर उसके बाद सोनीपत, सोनीपत का रास्ता लेते हुए ये आपके जालंधर तक चली जाती है, यहां तक। ये दूसरी लाइन हो गई। एक और इसकी शाखा है जो वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु, वो बाकी स्थानों से जोड़ती है। तो और भी इसके स्थान है जहां पर ये जोड़ती रहती है, यहां पर आप देखिए इस जगह पे ये जोड़ रही है। फिर तीसरी पाइपलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हजीरा वाली लाइन है, इसमें गैस पाइपलाइन है ये, यहाँ से हजीरा से शुरू, यहाँ से शुरू होता है हजीरा तक के बाद जगदीशपुर तक जाता है, उसके बाद जगदीशपुर तक एंड होता है, और बीच में आपके मध्य प्रदेश के विजयनगर में भी ये होके जाती है। और इसकी शाखाएं आपको राजस्थान में कोटा की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और बबराला और बाकी स्थानों पर है। इसीलिए ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इसको लगाते हैं ना कॉस्ट ज़्यादा, लेकिन एक बार ये लग गया ना, उसके बाद आपके एकदम कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है। अब आते हैं हम जल परिवहन पे। जल परिवहन की खासियत ये है कि पानी के ऊपर आपकी शिप्स और जो जो भी नेवल ऑब्जेक्ट्स है वो चल रहे हैं। अब ये सबसे सस्ता साधन है। भारी और जो स्थूल काय, ओबीज, बड़े बड़े जो वस्तुएं हैं उनको ढोने के लिए सबसे बढ़िया है शिप। शिप बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा सामान लादा जा सकता है और सबसे आराम से चला जाता है, क्योंकि एनर्जी भी इसमें कम लगती है, ऊर्जा भी कम लगती है और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे कोई गंद वंद नहीं निकलता है या फिर ऐसी चीज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर हम अंतःस्थलीय नौचालन जलमार्ग की बात करें तो हमारे पास, अगर हम टोटल लेंथ देखें तो अब आज के समय 4503 किलोमीटर है, लेकिन आपके जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। भारत में अंतःस्थलीय नौचालन जलमार्ग 14,500, 14,500 है। तो 14,500 में कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है जिनकी हम बात करेंगे, जो इस 14,500 में, ये 4,503 में आपको बताऊंगा ये कौन से हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो इसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चलते हैं, इसको हम यहाँ मैप से समझेंगे। पहला है, इसको हमने नाम दिया बकायदा नौगम्य जलमार्ग, तो संख्या है इनकी, नौगम्य जलमार्ग संख्या एक। तो नौ जो नौ गम्य या फिर कहें नदन वाटरवे, ये नेशनल वाटरवेज है, ये हल्दिया से इलाहाबाद, ये पहला है। आप देखें ये हल्दिया है, यहाँ से इलाहाबाद, ये एक रूट है। इसमें बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल सर्व होता है। 1620 किलोमीटर की लाइन है। फिर आप आइए, लाइन मतलब यहाँ पर सी रूट, मतलब ये इनलाइन वाटर नदी वाला रूट है। दूसरे पाएंगे ब्रह्मपुत्र, यहाँ देखें ढुबरी है, ढुबरी से लेकर सदिया तक 891 किलोमीटर है। इसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आ जाता है। तीसरे पे आते हैं, थोड़ा छोटा है, 205 किलोमीटर का, और ये केरला में है, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, और इसमें केरला आता है। फिर आप चौथे नंबर पे आते हैं, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कैनाल्स है, ये काकीनाड़ा, ये काकीनाड़ा से लेकर पुदुचेरी यहाँ तक आ रहा है। तो 1078 किलोमीटर है ये, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो पुदुचेरी है, ये सर्व होते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाए यहाँ पर, तो ये यहाँ तलचर और गोयनखेली है, यहाँ पर तलचर और गोयनखेली वहां तक जाता है। ये थोड़ा छोटा है, 588 किलोमीटर है, इसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों आते हैं। तो ये सारे मैंने आपको मार्ग दिखाए, इनका किलोमीटर दिखाया। तो भारत का विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर, जो हमारे हार्बर है जहां पर
एक यह जमीन से सागर मिलता है, वहां पर हार्बर बनता है। हार्बर बनाने का जो तरीका है या बनने का तरीका, वो मैं भी आपको समझाता हूँ, लेकिन ये समझिए कि इन हार्बर से, इन पोर्ट से, इन पत्तनों से सामान जाता है, आता है, व्यापार होता है, ट्रेड होता है। तो 95% जितना भी व्यापार होता है, यानी मुद्रा के अगर पैसे के रूप में देखा जाए तो 68% व्यापार जो होता है वो समुद्री व्यापार है, यहां से ही होता है, इन पोर्ट से। तो प्रमुख समुद्री पतन ये मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूं, ये सारे हैं इसमें। ये हमने तो अभी जल के बारे में देखी है जो इनलैंड है। अब हम जल परिवहन के बाद जब हम प्रमुख समुद्री पतन की बात करते हैं, तो जो आपके खिताब में दिया हुआ है भारत की 7,516.5 ये हमारी समुद्री तटरेखा है। इसमें कुछ प्रमुख और कुछ मध्यम और छोटे पतन है, ये मैं भी बताऊंगा कौन से पतन है। ये प्रमुख पतन देश का, जैसे मैंने बताया, 95% विदेशी व्यापार ये संचालित करते हैं। मुंबई सबसे बड़ा है इसमें, खुला हुआ है, विस्तृत है, सुचारू पोताश्रय है, प्राकृतिक है। ये डायग्राम है जो आपको अलग अलग जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके यहां पर दिए हुए हैं, मैं इसको दिखा दूं आपको कि ये सारे जो है यहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और इसी को मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है। एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि भारत में समुद्री पतन अगर हम यहाँ बाएं हाथ पे आए या पूर्वी और पश्चिमी इन इलाकों में है, तो यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए ये आपका जमीन है, यहां पर समुद्र है, तो समुद्र की ज्वार आते हैं, अगर आपने शिप यहां खड़ा कर दिया या यहां पर हार्बर बना दिया, तो इस पानी से ये हमेशा हिलते रहेंगे और जब जो भी चक्रवात आएंगे या जो भी कुछ आएगा, हवाएं आ रही है, इससे ये मूवमेंट करता रहेगा, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि हमने ऐसा इलाका कोई चूज कर लिया, यहां पर शिप आके रुक सकते हैं, इधर से अंदर गए, यहां पर या तो जमीन हो या पहाड़ हो या कोई ऐसा इलाका हो या फिर आप खुद बना दें, तो यहां पर जब शिप आएगा तो जितने भी थपेड़े यहां पर पड़ रहे हैं प्रकृति के, वो इससे बचा रहेगा और यहां पर शिप आराम से रेस्ट कर पाएंगे, अपना सामान इनमें भर पाएगा और फिर ये यहीं से निकल जाएंगे छोटे पोर्ट से। तो ये अगर ये ऑलरेडी बना हुआ है इस तरीके का, तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक। ये हमको भगवान ने खुद दे दिया है, प्रकृति ने खुद दे दिया है। लेकिन ऐसा अगर हम बनाते हैं खुद, अगर कहीं नहीं है और हमें बनाना है, जैसे जो मैंगलोर का जो पोर्ट है वो ऐसे बनाया गया है, वो हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कांडला से। कांडला यहां पर देखिएगा, इधर पे कांडला जो कच्छ पे है, ये पहला पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी जो स्वतंत्रता मिली उसके बाद बनाया गया। और खास तौर पे क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा व्यापार होता था, खासतौर पे जो बंदरगाहों के जरिए, तो उसको कम करने के लिए कांडला बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो कांडला यहां पर है, एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय पोर्ट है, ज्वार जो आते हैं ना, ज्वार भाटा, उसका वो वाला पोर्ट है। और इसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है खाद्यान्न का, ग्रेनरी जिसे कहते हैं, और साथ में जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से जो चीजें आ रही है, इंडस्ट्रीज से जो चीजें आ रही है, वो भी कांडला से जाती है। ये कांडला पतन हो गया, कांडला पोर्ट हो गया। इसके बाद मुंबई आता है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है, स्पेशियस है, स्पेशियस पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। और जैसे मैंने बताया, ये प्राकृतिक पोर्ट है, प्राकृतिक, वेल शेल्टर्ड मतलब होता है पूरी तरीके से ढका हुआ, छुपा हुआ। अगर ढका छुपा नहीं होगा तो फिर यहां पर ठीक से न शिप्स खड़े हो पाएंगे, ना काम हो पाएगा, ना उनका रिपेयरिंग हो पाएगी, ना तो यहाँ सामान की ढुलाई हो पाएगी। इसलिए ये बड़ा, बहुत बड़ा, स्पेशियस और बड़ा वेल शेल्टर, मतलब पूरी तरीके से कवर्ड हार्बर है। और उसके बाद यहाँ पर इसी के पास में नहवा शेवा एक जगह है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा था, तो उसके पास यहाँ पर नहवा शेवा में एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये बनाया गया, ताकि मुंबई का थोड़ा सा भार नहवा शेवा भी ले ले। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ये गोवा का पोर्ट है, मारमा गाओ, ये भी एक्सपोर्ट करता है लौह अयस्क का। 50% जो लौह अयस्क हमारा एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान से बाहर जाता है, निर्यात होता है, वो मारमा गाओ पोर्ट से ही जाता है गोवा की। फिर आइए यहाँ पर मैंगलोर पोर्ट, ये नया मैंगलोर पोर्ट, इसको न्यू मैंगलोर पोर्ट कहते हैं, ये कर्नाटका में है। और ये आयरन ओर, ये भी लौह अयस्क के एक्सपोर्ट में इसकी महारत है। और कारण ये है क्योंकि जो कर्नाटका में कुद्रेमुख की माइंस है, वहां से लॉयस निकल के आता है और बस यहां से भेजा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल है, बनाया गया है खुद। गोवा का जो नेवल, ये जो है ना, जो गोवा के बारे में बात कर रहा हूं, मारमा गाओ, ये नेवल बेस भी है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर आते हैं, ये तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन ये नेचुरल हार्बर है, अब मतलब खुद ही बना हुआ है, और रिच हिंटरलैंड, मतलब यहां पर बहुत सारी समुद्री चीजें आपको मिलती है। और जो नीचे का एरिया है, यहाँ श्रीलंका, मालदीव्स और कोस्टल जितने रीजन है, वहां पर यहां से कार्गो जाते हैं, बड़े बड़े शिप्स जाते हैं, कार्गो मतलब सामान वाले शिप। यहाँ पर कोची पे आ जाइए, कोचीन,
ये आपके केरला में है और ये बहुत एक्सट्रीम, मतलब हमारे पश्चिमी तट का, ये पश्चिमी, ये पूर्वी तट का, ये पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिमी ये हो गया, पूर्वी ये हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये जो कोचीन है वो यहाँ का, हमारे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, पश्चिमी तट का ये कोचीन सबसे आखिरी वाला है। तो अब इसमें तूतीकोरिन, ये कोचीन की बात कर रहा हूं मैं, ये लगून में बना हुआ है, इसीलिए नेचुरल हार्बर है, मतलब ये प्राकृतिक बना हुआ है, एक लगून में बना हुआ है। लगून एक तरीका, एक होता है जिसमें कुछ इस तरीके से शेप होता है और यहाँ पर आप बना सकते हैं, तो आपको एक जरिया मिल जाता है जो जैसे जैसे मैंने प्राकृतिक समझाया उसके लिए बहुत अच्छा, अच्छी जगह मिल जाती है। चेन्नई पे आ जाए, चेन्नई ये भी, ये मुंबई के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट है, चाहे आप कार्गो देखें या ट्रेड देखें या मैंने जो व्यापार हो रहा है और सामान देखें, उस हिसाब से ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। ध्यान रखिएगा कि चेन्नई आर्टिफिशियल है, बनाया गया है ये, और नॉर्मली नहीं था, इसको बनाया गया है। फिर आइए विशाखापट्टनम, सबसे गहरा है ये, बहुत अच्छी तरीके से प्राकृतिक है क्योंकि लैंड लॉक्ड है, जमीन के बीच में है, मतलब पूरी तरह जमीन है और अच्छे से यहाँ से लौह अयस्क का एक्सपोर्ट होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पारादीप की, पारादीप, अब पारादीप की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है और ये भी लौह अयस्क यहाँ से जाता है, और लौह अयस्क कहाँ जा रहा है, जापान जा रहा है यहाँ से। अब कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता का जो पोर्ट है वो रिवराइन पोर्ट है, मतलब ये हुगली नदी पर है, और क्योंकि रिवराइन पोर्ट है और नदी जो है अपने साथ गाद और मिट्टी लेके आती है, तो हमेशा गाद मिट्टी हटानी पड़ती है, ये इसमें एक चीज है। अब इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हल्दिया बनाया गया है, एक हल्दिया पोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई का बोझ हटाने के लिए नवाशेवा या जवाहरलाल नेहरू बनाया गया, उसी तरीके से कलकत्ता का बोझ हटाने के लिए, कम करने के लिए हल्दिया बनाया गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मुंबई पतन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रक जा रहे हैं हवाई जहाज, ये इसमें जहाज में, पानी के जहाज में, ये न्यू मैंगलोर का पतन है, इस पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन हो रहा है, ये बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरिन पोर्ट दिखाया गया है। वायु परिवहन यानी हवा से यात्रा या हवा से सामान को ले जाना, हवा मार्ग का, वायु मार्ग का प्रयोग करना, तो सबसे तेज वायु परिवहन है। आज वायु परिवहन तीव्रतम यानी सबसे तेज, आरामदायक, कंफर्टेबल है, और प्रतिष्ठा, इसमें प्रतिष्ठा आ जाती है क्योंकि एक तो थोड़ा महंगा ये ऑप्शन रहता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन आप समय बचा लेते हैं, आप बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं किसी जगह पे। और वो इसके अलावा एक और चीज आती है कि ऐसे स्थान जो बड़े दुर्गम है, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, जैसे बहुत बड़ा पर्वत है, मरुस्थल है, घने जंगल है, या बहुत लंबे लंबे समुद्री रास्ते, जैसे आपको कनाडा से इंडिया आना है, अब वहां पर तो आप शिप से आने में आपको बहुत समय लग जाएगा, या शिप चलते ही नहीं होंगे, दूसरा आपको शिप चेंज करने पड़ेंगे, या कोई रोड मार्ग या फिर रेल मार्ग तो है नहीं, तो उसका ऑप्शन ही आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, आपके पास है वायु परिवहन। तो सुगमता से हम पार कर सकते हैं इसको, जा सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचना बाकी परिवहन, बाकी यातायात से मुश्किल होगा। सन 1953 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ऐसे इंडिया जो वायु परिवहन है, जिसमें हमने इसका कैटेगराइजेशन देखा था, कुछ वायु परिवहन या ये कहें कि विमान सेवाएं कुछ सरकार के पास है, जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई, इसके अलावा और भी उनके सब्सिडरी हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट ओन्ड है, जेट एयरवेज हो गया या इंडिगो, स्पाइस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पवनहंस हेलीकॉप्टर, क्योंकि केवल हवाई जहाज की हम बात नहीं करते हैं, जो भी चीजें हवा में उड़ती हैं और आपको ले जाती हैं या सामान को ले जाती हैं, उन सब की बात करेंगे तो पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अब आप इसको इस तरह समझिए कि यहां ये अपतटीय संक्रियाएं मतलब क्या होता है, मुंबई हाई है, मुंबई हाई ये मुंबई पोर्ट से थोड़ा दूर है, अब यहाँ आप कैसे जाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से वहां पर, बकायदा आप मुंबई हाई का अगर आपने चित्र देखा होगा तो एक हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर जाता है वहां पर और लोगों को यहाँ पर छोड़ता है, लोगों को लेके आता है, बड़ा तेज साधन है और ये
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर चीज़ों को पहुंचाना है या लाना है, वहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है। हवाई जहाज भी है, जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो अगर आपको यहां तक आना है, जैसे मान लीजिए जहां एयरपोर्ट है देहरादून तक आना है, तो आपको हवाई जहाज मिल जाएगा। लेकिन देहरादून से आगे जाना है, मान लीजिए आपको किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां पर हवाई जहाज या हवाई पट्टी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे। भारत में दो प्रकार की हवाई अड्डे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। यहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में विमान सेवा होती है और कार्गो सेवा होती है, सामान जाता है। घरेलू हवाई अड्डा, जैसे अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो या कोई और चंडीगढ़ से मान लीजिए सिलचर जाना हो या गुवाहाटी जाना हो, तो ये घरेलू हवाई अड्डा होगा वहाँ पे। ये आपको चित्र दिख रहा है पवन हंस का, और जो दुर्गम और अगम्य स्थान है वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे, ये सेवाएं उपलब्ध हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है संचार सेवाओं की। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अगर मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो अगर वो पास में है तो सामने कह दूंगा, थोड़ा सा दूर है तो टेलीफोन मिला लूंगा, और वो किसी और देश में है तो मैं उसके लिए कोई व्हाट्सएप यूज़ कर लूंगा, फेसबुक यूज़ कर लूंगा, या कोई कॉल यूज़ कर लूंगा, स्काइप यूज़ कर लूंगा, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन अगर मेरा अच्छा है या कम्युनिकेशन होता है तो चीज़ें बड़ी बड़ी स्मूथ हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। पहले चिट्ठी पत्रियाँ हुआ करती थी, चिट्ठी पत्रियाँ पहुँचती थी 15-15 दिन में। तो जो संचार सेवाएं हैं, संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार तो है व्यक्तिगत संचार, इसमें क्या है कि आप और मैं या मेरी फैमिली वाला आपस में बात कर रहे हैं, पोस्टकार्ड हम भेज सकते हैं, पत्र, तार, टेलीफोन, ईमेल। तो ये पोस्टकार्ड, पत्र, तार, इसमें कई चीज़ें अभी नहीं चलती हैं, जैसे टेलीफोन का की जगह मोबाइल ने ले ली है, लेकिन फिर भी टेलीफोन है। ईमेल सबसे जो इंपॉर्टेंट साधन हो गया है, जीमेल आप यूज़ करते होंगे, याहू, रेडिफ मेल, ये ईमेल व्यक्तिगत संचार के साधन हो गया, बल्कि प्रोफेशनल भी हो गए। जैसे अगर आप किसी अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, किसी कंपनी के लिए से बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत संचार हो गया। जनसंचार का मतलब ये है कि ऐसा संचार माध्यम जो एक जगह से निकलता है, बहुत सारी पब्लिक पे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। जैसे मैगजीन एक अगर आप छाप दी तो मैगजीन कई लोगों तक पहुंच जाएगी, अखबार हो गया, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, सिनेमा, सिनेमा एक बनता है, एक मूवी बहुत सारे थिएटर्स में लगती है, लोग इसे देखते हैं, प्रेस जिसे न्यूज़पेपर निकलता है, दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न। अब आप देखिए कितने सारे चैनल आते हैं, कोई न्यूज़ देखता है, कोई गेम्स देखता है, कोई अपने मनोरंजन के लिए देखता है। अखबार से हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है, साथ में एडिटोरियल भी होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता चलती है, और अपने स्वास्थ्य से लेकर अपने बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो व्यक्तिगत लिखित संचार भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। बृहत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी जो व्यक्तिगत लिखित जो मैंने व्यक्तिगत संचार बताया, ये पूरे विश्व में हम नंबर वन पे हैं इसमें। तो इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रथम श्रेणी की डाक और द्वितीय श्रेणी की डाक में अंतर ये होता है, पहले तो समझ लीजिए कि प्रथम श्रेणी की डाक क्या होती है। जैसे कार्ड, लिफाफा, बंद लिफाफा, कार्ड जैसे लिफाफा है और उसके अंदर आपने कुछ रखा, ऐसे पहली श्रेणी की डाक इसे समझी जाती है, और ये वायुयानों से पहुँचाई जाती है अगर दुर्गम स्थान है तो। द्वितीय श्रेणी की जो डाक है, इसमें रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, किताबें, अखबार, मैगजीन, इनको सेकंड नंबर पे आता है। माना जाता है कि जो आप कोई लेटर किसी को लिख रहे हैं, कोई खत लिख रहे हैं, जैसे इंटरव्यू आपको कॉल आ रहा है खत के तौर पे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी जो किताबें हैं, एक आध दो दिन लेट भी पहुँच जाए तो इसको देखा जा सकता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूर संचार तंत्र हमारा काफ़ी बढ़िया है। और शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, यानी कि रूट्स बनाए गए हैं जहां से लेटर या डाक जाएगी। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। कौन से चैनल हो गए? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ये 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। शीघ्रता तक चीज़ें शीघ्र पहुँचें, जल्दी पहुँचें। तो जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ, मतलब एंटरटेनमेंट हमको मिलता है, साथ में जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अगर हमको हमारे प्रधानमंत्री को कुछ बोलना होता है तो वो आके हमको संबोधित करते हैं न्यूज़ चैनल पे या दूरदर्शन में। सरकार की नीतियां हमें दिखती हैं ऐड के तौर पे, एडवर्टीजमेंट के तौर पे। आपको कहां से मिलती है मनोरंजन? तो मिलता है टीवी से या फिर किसी भी माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। बाकी हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, रेडियो, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ऐसे बहुत सारे अब FM चैनल्स आ गए हैं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में, विदेश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, अलग अलग तरीके के
प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, पुराने गाने आते हैं, नए गाने आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन आती है, ये सारी आकाशवाणी के थ्रू आती है। टेलीविज़न एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संदेश का माध्यम है। टेलीविज़न सबके घर में है, एक बार कोई बात उसमें होती है तो वो सबको दिखती है और विश्व में बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है ये टेलीविज़न। मैगजीन समाचार पत्र जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो प्रकाशित की जाती हैं। भारत में वर्ष भर इस तरह की बहुत सारी मैगजीन्स हैं। फिल्म मूवी, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। अब ये देखिए हिंदुस्तान में बॉलीवुड टॉलीवुड ऐसे कितने नाम हैं। भोजपुरी फिल्में भी बन रही हैं, आसाम में भी फिल्में बन रही हैं, मुंबई में तो खैर बनती ही बनती है, केरल में बन रही है, तमिलनाडु में बन रही है, उड़ीसा में बन रही है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर में भी बन रही है। तो हर जगह पिक्चरें बन रही हैं और ये जो चलचित्र हैं पिक्चरें हैं इनका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चलचित्र या मूवीज़ बनने का उत्पादक भी भारत है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसे हम CBFC कह रहे हैं, ये एक ऐसी अथॉरिटी है कि अगर कोई पिक्चर बनती है तो उसको क्या सर्टिफिकेट देना है, किन किन लोगों के लिए सही है या उसमें कान छाट करनी है। ऐसा तो नहीं कि देश के विरुद्ध कुछ बात की गई है या कुछ समाज के प्रति ऐसी कोई बात की गई है उसको काटना छाटना या फिर उसको रोकना या सेंसर में लगाना, जैसे एडल्ट दे दिया कोई इसमें ऐसे चित्र है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, एडल्ट सर्टिफिकेशन देना, ये काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का है। और ये इंडिया और भारत से जो बाहर से जो पिक्चर आई है जो यहाँ लगेगी उसका भी फॉरेन फिल्म का भी सर्टिफिकेशन ये CBFC देता है। हम जब बात कर रहे हैं अपनी रेखाओं की, जीवन रेखाओं की, तो व्यापार में हमने बहुत सारी बात की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ये जो आंकड़े हैं 2010 और 11 के हैं, मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े बताऊंगा और इससे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज कहां है। पहले मैं ये आपको लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं फिर हम यहां दोबारा आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, प्रेशर नापा जाता है कि कितना प्रेशर है, यानी कि एक मापने की चीज़ है। तो राष्ट्र का जो आर्थिक माप है, या यहाँ ये समझिए कि यहाँ इकोनॉमिक की कितनी वैल्यू है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से की जाती है कि व्यापार देश में नहीं विदेश में कितना हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये होता है। व्यापार का मतलब ये होता है कि राज्यों और देशों के बीच में, यानी या तो हमारे स्टेट्स के बीच में, देश हमारे हिंदुस्तान के ही अंदर अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग जगहों के बीच में, या जैसे हम यहाँ से मान लीजिए अरब में भेज रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर व्यापार राज्य और देशों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ कपड़े जा रहे हो सकता है वहाँ से कुछ खुबानी आ रही हो, वहाँ से खजूर आ रहे हो, यह आदान प्रदान कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां पर वस्तुओं का विनियम होता है, एक्सचेंज होता है। बाजार एक ऐसी जगह जहां चीजों का आदान प्रदान होता है, विनियम होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है, जैसे हिंदुस्तान और मान लीजिए पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में हो रहा है, ये दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्ग, कोई भी मार्ग, जैसे अगर हमको पाकिस्तान पहुंचाना हो तो वाघा बॉर्डर से पहुंच जाएगा, चाइना पहुंचाना है तो हमारे पास बॉर्डर है उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हम जिस जहां से बॉर्डर शेयर नहीं करते वहां पर या तो हम हवाई से भेज देंगे या समुद्री यात्रा से भेजेंगे, जो पास के हैं उनके समुद्री यात्रा हो जाएगी, जो थोड़ा दूर है वहां हवाई यात्रा हो जाएगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो व्यापार में जो संतुलन है इसको समझिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर, जो इंपोर्ट हो रहा है, सामान आ रहा है या ट्रेडिंग हो रही है और जो हम बाहर भेज रहे हैं, इनके अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। ट्रेड, व्यापार, संतुलन, बैलेंस। तो आयात ले लीजिए, मान लीजिए एक्स इतना आयात होता है और इतना निर्यात होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे व्यापार संतुलन कहेंगे। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या कहते हैं और असंतुलित व्यापार संतुलन क्या कहते हैं। अगर ये जो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, आई कर देता हूं इंपोर्ट के लिए, ओ कर देता हूं, ई कर देता हूं एक्सपोर्ट के लिए, तो अगर ये निर्यात, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मूल्य आयात के मूल्य से, एक्सपोर्ट का मूल्य आयात यानी कि इंपोर्ट के मूल्य से अगर अधिक हो गया तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो इसका मतलब बढ़िया संतुलन है, व्यापार संतुलन बढ़िया है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं अपने देश में और कम से कम चीजें भेज पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ये असंतुलित व्यापार संतुलन है। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अगर अधिक हम आयात करने लगते हैं, मंगाने लगते हैं चीजों को भेजने की जगह, उसे हम असंतुलित व्यापार संतुलन कहते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो अभी लेटेस्ट फिगर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें सबसे पहले नंबर पे है मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, तेल,
ये हमारा इम्पोर्ट आइटम, ये हम मंगाते हैं जेम्स, प्रीशियस मेटल, जो जो जैसे कहें जो कीमती पत्थर है वो हम मंगाते हैं। अब इसके बाद जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, यानी जो बड़े बड़े मशीनें के लिए पार्ट्स लगते हैं, मशीन हो गई वो हो गई, और फिर उसमें कंप्यूटर भी आता है, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ये भी बहुत हम इंपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो रसायन है वो हम मंगाते हैं, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के आर्टिकल हो गए, आयरन स्टील भी हम मंगाते हैं, यानी जो लोहा इस्पात है। इसी तरीके से जो एनिमल या वेजिटेबल फैट है, ऑयल है, वैक्सेस है, और जो भी मेडिकल अपरेटस है, यानी जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो भी हम मंगाते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिकल भी मंगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल ज़्यादा मंगाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल थोड़ा कम मंगाते हैं। ये हमारे इम्पोर्ट आइटम है जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करते हैं मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल। अब आपको बड़ा सुन के ये अचरज होगा कि हम ये मंगाते हैं और इसी को हम भेजते हैं, मंगाते हैं इसको भेजते हैं, तो आप किन देशों से मंगा रहे हैं ये देखिएगा, और किन देशों को भेजते हैं ये भी देखिएगा, ये भी अंतर है। और जो जेम और प्रेशियस मेटल हमने मंगाया ना, उसको परिष्कृत करके, उसको शेप देके, उसको सुंदर बना के हम इसको बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और मशीनरी हमारे यहाँ भी कंप्यूटर बनते हैं, हमारे यहाँ भी मशीनरी बनती है, उनको हम भेजते हैं। जो गाड़ियाँ बनती हैं उनको भेजते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ हम भेजते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो भेजते हैं। लोहा इस्पात हम उसको और परिष्कृत करके भेजते हैं। और ये कॉटन, कॉटन हम इम्पोर्ट नहीं करते, देखिएगा, ये हम भेजते ही भेजते हैं। कपास, कपास हम भेजते हैं, धागे हम भेजते हैं, ऐसे कपड़े और जो अपैरल्स होते हैं, कपड़ों के अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे गले में अगर गलबंद बांध लिया, इस तरीके से ये चीज़ें हम भेजते हैं। अब मैं ज़रा आपको यहाँ ले जाना चाहूँगा कि ये आपके यही आंकड़े 2010-11 के क्या थे। तो कृषि वर्षों में से संबंधित उत्पाद, इसमें 9.9%, ये निर्यात वाली, निर्यात की बात कर रहा हूँ मैं। खनिज और अयस्क 4%, रत्न और जवाहरात जो मैंने अभी बताया, जेम्स और प्रेशियस मेटल, ये 14.7%, अगर 100% में देखा जाए। पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें कोयला भी है, वो 16.8% है, ये हमारी निर्यात की है। और हम जब लेते हैं, ये हम निर्यात के बारे में बता चुके हैं, एक्सपोर्ट, अब हम इम्पोर्ट पे आ रहे हैं। तो ये 2010-11 का आंकड़ा है, इसमें पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम उत्पाद है, जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, सबसे टॉप पे है, ये आपका 28.6% है, अगर 100% माने हम जितना मंगाते हैं। और जो जेम्स और प्रेशियस मेटल है, ये अभी भी सेकंड नंबर पे है, 9.4%। इसी तरीके से कोयले का गोला 2.7%, कोयला मशीनरी है 12.56%। और फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे उर्वरक है, खाद्यान्न है, वनस्पति तेल, यहाँ पर देख पा रहे हैं वनस्पति तेल, और न्यूज़ प्रिंट, ये इसकी मशीनें जो हम इसमें मशीनरी में हम ले आते हैं, ये सब चीज़ें हम लाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर बता दूँ कि कुछ बदलाव आया है, अभी हम सॉफ्टवेयर की महाशक्ति हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाना, बीपीओ और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और ये सॉफ्टवेयर महाशक्ति, खासतौर पे जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी आ जाता है, वहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करके या फिर इसको ट्रेड करके अच्छी खासी विदेशी मुद्रा या फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। पर्यटन, पर्यटन एक ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर्यटन की जब मैं बात करूंगा तो ये आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर, और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश के पर्यटन के क्या हाल हैं अभी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पिछले जो 3 दशक थे, 30 साल, उसमें भारत में पर्यटन उद्योग में बहुत वृद्धि हुई है। 2009 की अपेक्षा 2010 में अगर देखें तो 11.8 जो प्रतिशत है लोग ज़्यादा आए हैं। तो इससे हमको 64889 इतने करोड़ का ट्रेड, मतलब बाहर से पैसे हमें मिले हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिला है। फिर 2010 में भारत में 57.8 लाख विदेशी आए हैं। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग के में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। 150 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान में इसमें डायरेक्ट काम करते हैं, और इसमें हमारी जो एक कहें हस्तकला है, संस्कृति है, ये भी बहुत बड़ा एक रोल है। क्योंकि लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, लोग बनारस जाते हैं, लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग बालाजी जाते हैं। तो विदेशी पर्यटन भारत में, एक तो विरासत पर्यटन यानी कि हमारे पास जो पुरानी विरासत है, हमारे पास जो अलग अलग महल हैं, जैसे आप ताजमहल देख लीजिए, विरासत पर्यावरण हो गया। और पारी पर्यटन, इको टूरिज्म करने आते हैं, हमारे पास जिम कॉर्बेट वगैरह पार्क है। रोमांचकारी पर्यटन, हमारे यहाँ सब चीज़ों की व्यवस्था है, जैसे आप देखेंगे राफ्टिंग की भी व्यवस्था है, और बलून से भी हम
हम कई जगह पे बलून वाली भी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि रोमांच भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सांस्कृतिक पर्यटन यानी आप कल्चर देखने आते हैं, चिकित्सा पर्यटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि अगर आप एक दांत निकालने गए कनाडा में या फिर अमेरिका में तो आपको इतना पैसा लग जाएगा जिसमें आप हिंदुस्तान में आके जा सकते हैं, तो आइए यहाँ निकलवाइए, पर्यटन भी करिए। व्यापारिक परिवर्तन, कई लोग आते हैं अपना सामान वामान भी खरीदते हैं और पर्यटन भी करते हैं, तो ये पर्यटन जो है हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, खासतौर पर देखिए गोवा में मैंग्रोव वन के पारी पर्यटन हो रहा है, कुफरी का इलाका है अरुणाचल प्रदेश, इतना सुंदर इलाका बहुत कम देशों में देखा गया है, मिलता है। तो यहाँ पर तो हम ड्रीम डेस्टिनेशन में फोर्थ नंबर पे हैं, फोर्थ बेस्ट हॉलीडे है भाई। लेकिन मैं इसको आपको आज के बारे में बताऊंगा। तो इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई है, क्योंकि हमारे पास अक्षांश देशांतर लेफ्ट राइट में बहुत सारी, हमारे पास मरुस्थल भी है, हमारे पास पठार भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास बर्फ भी है, हमारे पास पानी भी है, हर चीज़ नदी भी है, एवरीथिंग भी है। टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन है ये हमारे इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो टूरिज्म ने 16.91 लाख करोड़, या कहें कि जीडीपी में जो इसका रोल है वो 9.2%, अगर 100% जीडीपी माने, जो भी हमारी 5 या 7 चल रही हो उसमें 9.2 आता है हमारे टूरिज्म से, 2018 की बात कर रहा हूँ, और 42.673 मिलियन जॉब्स, इतने सारे जॉब्स ये इंडस्ट्री देती है, यानी कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में 8.1%, 8.1% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है, पर्यटन से आता है। और इसकी जो ग्रोथ है, या ये कहें कि एनुअल रेट इसका 6.9% है, जो 32 लाख करोड़ 2028 में हो जाएगा इस ग्रोथ के हिसाब से। अक्टूबर 2015 में जो मेडिकल टूरिज्म हुआ, जो लोग आए अपने, इनको कोई दिक्कतें थीं उसको यहाँ इलाज कराने आए, वो बहुत ज़बरदस्त, आप देखें कि $3 बिलियन, और ये 7 से 8 हो जाएगा 2020 तक। इसी तरीके से 2014 में 184,298, 1,84,298 इतने पेशेंट्स आए हमारे यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और 10 मिलियन 1 मिलियन होता 10 लाख, 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट, बाहर के जो विदेशी पर्यटक हमारे पास आए 2017 में, जो 8.89 मिलियन थे 2016 में। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 8.989 से 10 मिलियन हो गए हम लोग, यानी कि हमारी ग्रोथ जो है पर्यटन में 15.6% की है। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इधर उधर जाते हैं, जैसे अगर सरकारी तंत्र में देखा जाए तो उनको जम्मू कश्मीर जाने के लिए, उनको नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, अंडमान निकोबार जाने के लिए उनको LTC मिलती है, तो यहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर इतना 1,036.35 मिलियन 2012 में थे, और 2000 अब देखिए किस तरीके से एक इंक्रीज़ हुआ 2011 से, 16.5% इंक्रीज़ हो गया। 2014 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सबसे ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर ये सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने लोगों के आने, मतलब चाहे वो विदेशी सैलानी हो या हिंदुस्तानी सैलानी हो, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर, खासतौर पे आगरा और जयपुर, जयपुर में बड़ी बहुत ज़बरदस्त विरासत है, आगरा में ताजमहल है। हिंदुस्तान और उसमें स्पेशली मैं दिल्ली की बात करूँ तो हम 28वें नंबर पे हैं जितने हमारे पास लोग आते हैं बाहर से ट्रैवल करने या टूरिज़्म करने, पर्यटन करने। और मुंबई 30वें रैंक पे है, चेन्नई 43rd पे है, आगरा 45th पे है, जयपुर 52 पे है, कोलकाता 90th पोजीशन पे है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।